हुए नारा होता है कि रेड लाइन क्रॉस करना। रेड लाइन एक हद होती है, जब हमारी रेड लाइन अब क्रॉस हो चुकी है तो हमारी जो सूरत हाल है वो डू एंड डाई की बन चुकी है। हम किसी कीमत पर भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हम घरों में बैठ जाएं। इमरान खान के लिए अगर कोई इसको रिसर्च करे, इमरान खान को खुदा की कसम, क्या आप लोग की अकलों को घास फूस पड़ गया है कि एक बंदा इतनी बड़ी स्ट्रगल कर रहा है और उसका मेरे नबी ने ना बताया हो, कैसा हो सकता है? अल्लामा इकबाल ने कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यानी कि इस मुल्क से कोई ऐसा काम होना है कि जो इस्लाम की तारीख को ऊपर लेके जाएगा, वो शख्स पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कौन है? आप सोचे कौन है वो शख्स। दूसरा, अल्लामा इकबाल ने कहा था, फितरत के मकासिद की करता है निगबानी, यह बंदा सराई या मर्द कोहिस्तानी। ये कोहिस्तानी बंदा कौन था? पाकिस्तान नहीं, दुनिया का वाहिद इमरान खान एक लीडर है जो पहाड़ के ऊपर, इससे बड़ा घर किसी का नहीं है। मेरी लॉजिक को समझे, अल्लामा इकबाल किस बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं? पहाड़ी बंदा कौन है जो दुनिया के मुसलमानों का रुख चेंज करेगा? मैं अभी तक इस नतीजे पे पहुंचा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अभी तक मेरी रिसर्च गलत नहीं है। वो लीडर इमरान खान है जिसका इशारा अल्लामा इकबाल ने किया था। ये लीडर, इसको तुम गोलियां मारते हो कि तुम्हें अल्लाह नजर नहीं आया? 6 के 4 के 4 गोलियां खान साहब के पैर पे लगती है, एक भी हड्डी को नहीं छूती। वो तुम्हें फरिश्ते नजर नहीं आते? एक उस आर्टी को क्रॉस नहीं करती कि खान साहब का ब्रेक हो जाए। 4 गोलियां लगती है, एक भी उस आर्टी को क्रॉस नहीं करती, उस हड्डी को क्रॉस नहीं करती। तुम्हें अल्लाह नजर नहीं आता, तुम्हें फरिश्ते नजर नहीं आते? अहले अकल वालों से और अहले नजर वालों से पूछो, इमरान खान कौन है? अगर आज भी तुम लोगों ने इमरान खान का साथ नहीं दिया, मुसलमानों कम से कम 100 साल तक तुम्हारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं आना जो तुम्हें यकजा करने के लिए अपने बीवी बच्चे अपना खानदान सब कुछ कुर्बान कर दे। वो कौन है बंदा? तुम्हारी नजर काम नहीं करती? ये शख्स इतना खतरनाक हो गया तुम्हारे लिए जिसके ऊपर एक भी दो नंबरी का इल्जाम नहीं, और ये इतना खतरनाक हो गया तुम्हारे लिए कि तुम इसके जान लेने पर आ जाओ? तुमने हमारी रेड लाइन क्रॉस किए, हमारे बच्चे, हमारे बीवी, माल, अजबाब सब के सब इसके साथ खड़े, और आज एक इतना बड़ा ऐलान कर दूं मैं, आज के बाद इमरान खान हलफ ना उठाएं। अब बैतें इमरानों की, इमरान खान की बैतों की, इमरान खान के साथ माँ बाप बीवी बच्चे माल असबाब के साथ बैत करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, या ये मुल्क ठीक करेंगे या हम कब्रों में जाएंगे, इसके अलावा बात नहीं होगी। वमा अलैना।